आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर के पास कॉल करने वाला हूं जो कि डॉजलीज लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के फंस चुके हैं और इनको रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर किया जा रहा है। इनके पास पैसे अभी कंपनी से मिले नहीं तो बोले कि चलो मैं कंपनी से जब पैसे आते हैं पेमेंट आ देते हैं तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था बट गलती कर देते। बट उससे पहले इनके बातों को सुने क्या क्या आखिर प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो बच सकते हो। तो चलिए सबसे पहले कॉल लगा लेता हूँ। डॉजलीज लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था ना, प्रॉब्लम क्या हुआ है बताइए, क्या कैसे क्या क्या हो गया मेरे को सारा सही सही बताना, कुछ चीज छुपाना नहीं है भाई। डॉजलीज लोन एप्लीकेशन से जो 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 प्रॉब्लम हुआ है उस चीज को आपको बताना है, ठीक है? तो खोला था। अच्छा, तो प्रोसेस करते हैं ना, आधार कार्ड पैन कार्ड। हाँ, वो किया था मैं। अच्छा, और अप्लाई कर दिया। अच्छा, मेरे को पहले दिखाया गया 3 महीने तक। अच्छा, दिखाया गया 3 महीने तक आपको रिपेमेंट करने का समय मिलेगा। किया था तो मैं अप्लाई किया और मैं काम लग गया इसलिए मैं बंद किया, और एक आधे घंटे बाद मेरे अकाउंट पे 3,800 आ गए। अच्छा, अप्लाई कितना का किया था आपने? 6,500 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 3,800 ही है, क्रेडिट हुए हैं। हाँ, 3,800 ही क्रेडिट हो गए। अच्छा, मैं बोला ठीक है हुआ होगा। हाँ सर, अभी 6 दिन उनका फोन आया। अच्छा, डिलीट किया था ना मैंने, इसलिए मेरे को मालूम नहीं 7 दिन का है वो। अच्छा, तो 6 दिन का फोन आया, बोला आज पेमेंट करने का है। अच्छा, तो मैं बोला अभी तो नहीं मेरे पास, कितने देने का? तो बोले 6,500 देने का। अच्छा, तो उनको बोला कि 3,800 मेरे को दिया। अच्छा, 6,500 आप मांग रहे हैं, एक किस का है, कैसा होगा ये? अच्छा, तो बोले नहीं नहीं वो आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसा बोला अभी तो नहीं मेरे पास, मैं आऊंगा तो दे दूंगा। अच्छा, आपको 500 रुपए ज्यादा ऊपर से दे सकता हूँ, आप मेरा कार्ड भेजा है ना। अच्छा, तो 500 रुपए ज्यादा से मैं ऊपर दे सकता हूँ, उससे आगे तो मेरे होगा नहीं। वो भी जो पैसा में बोला था ना वो भी अभी नहीं होगा, एक मेरा पेमेंट मिलने के बाद होगा कंपनी में जो है ना। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, अभी करना पड़ेगा। मैं बोला नहीं होगा, फिर मैंने क्या किया उनका नंबर ब्लॉक कर दिया सर। अच्छा, आपको वीडियो देखा था ना, तो बंद कर दिया सर। अभी तो किसी कॉन्टेक्ट को नंबर नहीं, कुछ नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज किया था या नहीं किया था आपके? हाँ किया था ना। अच्छा, वीडियोस देखने के बाद व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद आपको कॉल पे भी बात किया तो कॉल पे भी ब्लॉक कर दिया है ना? हाँ सही किया, ट्रू कॉलर से ब्लॉक किया, सही किया। चलिए उसके बाद अभी तो नहीं आया फोन उनका। अच्छा, लगता ही नहीं उनका। हाँ, कोई नहीं आएगा। अगर मान लीजिए अगर ज्यादा रिपेमेंट के लिए हरासमेंट करेगा, कॉल वगैरह आता है ना, तो सिंपली से आपको सिम को निकाल करके, वैसे तो सारे लोग को बोलता हूँ 1 महीने तक कम से कम, लेकिन आप पे मतलब 10-15 दिन रख सकते हो निकाल करके, ठीक है? स्विच ऑफ करके रखना सिम को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। हाँ, रिपेमेंट नहीं करना है। आपने रिपेमेंट किया या नहीं किया था आपने? नहीं, सही किए, क्योंकि अगर आप एक बार रिपेमेंट कर देते हो ना भाई, आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करेंगे, बोलेंगे कि ये कोई और एजेंट को तुमने पे कर दिया, मैं सही एजेंट हूँ, मैं डॉजलीज लोन एप्लीकेशन का रियल एजेंट हूँ, तुम्हें मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, और मुझे तुम कर देते हो तो कोई और एजेंट आपको बोलेगा तुम वो एजेंट को तुम क्यों पैसे पे किए, वो फेक एजेंट है, उसने काम छोड़ दिया, ऐसा वैसा, मतलब ये करके आपको रिपेमेंट के लिए टॉर्चर करेंगे, हरासमेंट करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, न्यूड फोटोज भेजेंगे के लिए धमकी देंगे, लेकिन आपको फिर भी रिपेमेंट नहीं करना है ब्रो, ठीक है ना? नहीं, करने वाला नहीं पेमेंट, उसको बोला ही नहीं। मैं करने वाला था पर उनकी जो बातें सुना ना। हाँ, नहीं नहीं, एक भी रुपया देना नहीं भाई, एक बार दे देते तो फिर तो भाई आपका वॉट लग जाता फिर तो। वही ना, सही किया कि आपने वीडियोस देख करके मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई चलो कोई ना, बट आपको पैसे पे नहीं करने थे भाई, ठीक है ना? याद से कभी भी नहीं करना है, कितना भी आपको ब्लैकमेल करे डरना नहीं है भाई, डट करके सामना करना है। चलिए ठीक है, और कोई डाउट है? चलिए ठीक है, फिर कोई ज्यादा दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर बाय, वेलकम। तो आई होप ने देखा कि कैसे डॉजलीज लोन एप्लीकेशन से ये भाई साहब लोन ले लिए थे, लेकिन बोल रहे थे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, चलो मैं 1 महीने के मतलब कि जब मेरा पेमेंट आता है मैं उस समय सारे पैसे को क्लियर कर दूंगा, बट फिर भी ये एप्लीकेशन नहीं मान रहा था, बोल रहा था कि डॉजलीज लोन एप्लीकेशन के जो एजेंट है मुझे अभी ही पैसे पे करो। तो आई होप ने इनके बातों को सुना होगा, तो आपको पता चल गया होगा, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे मैं वीडियोज बनाता हूँ कैसे 7 डेज या फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से बच सकते हो। ज्यादा दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे अपना कॉलिंग नंबर सेंड करके मेरे से बात कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करो।